अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो सबसे पहले मुसलमान को जो है समझने की हत्तल इम्कान कोशिश कराना मेरा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ज़मीन पर कभी नहीं आया। अल्लाह ने ये दुनिया बना दी सिर्फ आसमान और ज़मीन, समंदर, पहाड़, चाँद, तारे, सूरज और ये जो दुनिया के अंदर हवा है या ये दुनिया के अंदर जो पानी है, इससे पहचानने के लिए उसने कुरान में कहा कि क्या तुम देखते हो आसमान में एक भी सुराख, शिगाफ कह रहा है अल्लाह ताला, एक भी यानी सुराख नहीं है, होल नहीं है। लेकिन जब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर से आसमान के स्पेस के अंदर जो है कुछ होल्स, ब्लैक होल्स जैसे देखेंगे, वो आसमान से सातों आसमान का जो है इशारा देते हैं, वो एक हकीकत है। लेकिन ज़ाहरी तौर पर आसमान में कोई शिगाफ या कोई सुराख, कोई होल नहीं है, कोई भी तरह जगह जो है खुली भी नहीं है। कुरान की अजमत को समझने के लिए अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में, मेरे मुसलमानों तुम ज़ाहरी जो दुनिया है वो देखो, जिसमें इंसान कह रहा है कि खुदा आया था। जैसे हिंदू का दावा है कि कुरान से भी पहले हम हैं और हमारे जो है खुदाएं इस दुनिया के अंदर आए, जबकि अल्लाह चैलेंज कर रहा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कुरान इनकी जो किताबें हैं, हिंदुओं के पास जो वेदास या दो गीता, उससे साबित कर रहा अल्लाह ताला कि मैं ही खुदा हूँ, इनके पास खुदा नहीं है, ये साबित कर रहा। क्रिश्चियन के पास खुदा नहीं है, बाइबल उन लोगों ने बना लिया गीता और वेदास की तरह, इस वास्ते अल्लाह कह रहा मैं ही खुदा हूँ। और यहाँ तक के तौरात, जबूर अल्लाह ने जो दी, और गौहर, जुहर और जो है सहीफे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम या इस्माइल अलैहिस्सलाम के खुद के, वो भी जो है अल्लाह ताला ने भेजने का जो है अपने ज़िम्मा लिया। मैं भेजा पैगंबरों को, मैं भेजा किताबों को, ये चैलेंज करके कुरान दिया। और कुरान का जवाब हिंदू किताबों का जो है रेफरेंस जो है जो हिंदू देते हैं, वो साबित नहीं कर सके कि कुरान गलत है। लेकिन अल्लाह ने साबित कर दिया हिंदू के पास खुदा नहीं है, क्रिश्चियन के पास खुदा नहीं है, और सरदार के पास, जूश के पास खुदा नहीं है, सिर्फ कुरान का खुदा अल्लाह है और अल्लाह ही कायनात को चला रहा। ये मैं चैलेंज से आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ जो आपको समझना है। देखो दुनिया के अंदर जाकिर नायक इंडिया में जब थे, बॉम्बे, मुंबई जो बोलते हैं महाराष्ट्र, वहाँ तीन तीन चार चार दिन, पांच पांच दिन इस तरह से उन लोगों ने जो है एक बहुत आम जलसा किया। आम जलसों में 3 लाख से 10 लाख, पता नहीं कितने लाख लोग जो है हुजूम, एक समंदर की तरह जो है सरों का नजर आता था। अगर आप स्टेज के ऊपर जाकिर नायक है और वो बोल रहे, तो ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो सब सुन रहे। यही अल्लाह है, अल्लाह कह रहा है मैं सबको देख रहा हूं और सबको सुन रहा हूं। यही वो बात है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या पकड़ा क्या है वो भी अल्लाह जानता है। और अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे शहरक से भी करीब हूं। यही एक हकीकत है जो जाकिर नायक के स्टेज को आप गौर करो, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उनके, या 2010 में, या 8 में, 2009 में, इस तरह से अल्लाह करे कि वो उस तरह से फिर कोई मुसलमान जो है इस्लाम की बात इंडिया में रखे और इतना ही हुजूम वो जो है ये जलसों में आए दीनी, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ऐसा, आमीन। तो एक समंदर आप देख रहे हैं, एक इंसान बोल रहा जाकिर नायक, और वक्ते वाहिद में 3 लाख लोग वहां बैठकर सुन रहे। ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, इंसान खुदा नहीं है। इस वास्ते ये जाकिर नायक बोल रहे हैं, तो वक्ते वाहिद में सेम टाइम पर जब का जब लोग कानों से सुन रहे जाकिर नायक का लेक्चर, उनका खिताब करना, उनका जो है लोगों को जो है दर्स देना, या उन लोगों को जो है इस्लाम क्या है बताना, ये वक्ते वाहिद में इंसान सुन रहा। ये कुदरत ना तो राम में थी,
ये कुदरत ना तो गणेश ना शिवा में थी, ये जितने भी हिंदू खुदा है बोल रहे उनके पास ये कुदरत नहीं थी। इस वास्ते कि अगर आप जाएंगे केरला में, केरला के खुदा का नाम अलग, बुद्ध का नाम अलग, मंदिर अलग, नेपाल जाएंगे नेपाल का खुदा अलग, मंदिर अलग, बुद्ध अलग, फिर आप आ जाएंगे आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर बोलेंगे उसका बुद्ध अलग, काला सा उसकी बीवियां उसके साथ। अब आप सोचो ये इंसान है, इसके बीवियां हैं, इसको खुदा बोल रहे लोग। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर दे तो उसको भी खुदा बोल देते लोग, लेकिन खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, नजरिया है, वो सही उल नजर नहीं होके हिंदू नहीं सोच सकता। इस वास्ते मैं बता रहा हूं कि जाकिर नायक जब बोल रहे हैं तो सामने जितने भी सामईन है, जो भी सुनने वाले है, 3 लाख है या 2 लाख है या 10,000 भी क्यों ना हो, है तो सामने के वक्ते वाहिद में सुनने वाला एक लाउड स्पीकर दरमियान में रख के इंसान ने तुमको बना के एक कैमरे से इनका पूरा वीडियो बना के अपलोड करके पूरी दुनिया के अंदर इसको वायरल करा रहा, ये टेक्नोलॉजी है। ये वीडियो आप अभी भी देख सकते हैं जाकिर नायक के, जो दुनिया की जो है, यानी हिंदू भी आया उसमें, क्रिश्चियन भी आया, मुसलमान भी है, सरदार भी है, उनके लेक्चर के वक्त, उनके बयान के वक्त। ये कुदरत अल्लाह की है, इस वास्ते इंसान को समझना है कि आज 5,17,000 लोग पूरी दुनिया में मर गए, काउंट भी पूरी दुनिया का मजहब के हिसाब से नहीं किया जा रहा, काउंट भी कलर के हिसाब से नहीं किया जा रहा, काउंट भी कंट्री के हिसाब से नहीं किया जा रहा, पूरी दुनिया का जायजा लेके बोल रहे 5,17,000 लोग मर गए कोरोना की वजह से। और यही पूरी दुनिया के ऊपर ये कोरोना अजाब के तौर पे हर इंसान के ऊपर आया, ये एक ही खुदा है। इस वास्ते पूरी दुनिया का काउंट हो रहा 5,17,000 इंसान मर गए, और ये यही सजा है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया में हर कंट्री के अंदर लोग मर रहे, पूरी दुनिया के हिसाब से ज्यादा लिया जा रहा। यहां तक के इलाज भी ना हिंदू देखा जा रहा, ना क्रिश्चियन देखा जा रहा, ना मुसलमान देखा जा रहा, इलाज हरेक का कर रहे ये पेशेंट्स का कोरोना का। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अंदर आप जहां कहीं भी जाएंगे ये वीडियो आपको जाकिर नायक के मिलेंगे। एक आदमी इंसान वीडियो बना के दिया और उसको 10 साल हो गए उनके लेक्चर्स का, 12 साल 13 साल इस तरह से पुराने पुराने जो लेक्चर्स है, जो बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में जो बनाया गया था जो है इस्लाम के लिए दावत का प्रोग्राम, 3 दिन जो है, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन या 2 दिन, इस तरह के बड़े जो इज्तम हुए इज्तमगा में, समंदर की तरह लोग आए, और वो वीडियो आज भी तुम देख सकते, और ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे, ये इंसान बना के देने से हुआ। ये क्रिश्चियन का गार्ड अगर देता तो पूरी क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में रहती, पूरी दुनिया पे छा जाती, कोई और मजहब नहीं रहता। हिंदू का खुदा अगर रहता तो सिर्फ इंडिया के हद तक नहीं रहता, पूरी दुनिया पे रहता। 215 दिन में आपको कहीं बुद्ध भी नहीं मिलेंगे। बस मैं चैलेंज दे रहा हूँ यूरोप में भी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ पूरी दुनिया में, आप जाके देखो, ये जो हिंदू गॉड के नाम ले रहे वो सिर्फ एक एक जगह का है। अगर बाली जाएंगे, हिंदुओं का है वो बाली, इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ, आप खुदा का नाम भी अलग देखेंगे वहां। अगर से आप जाएंगे तो गणेश देखेंगे, जापान में देखेंगे गणेश, बाली में देखेंगे गणेश, इंडिया में देखेंगे, महाराष्ट्र में। लेकिन गणेश को पूरी दुनिया के इंसान कबूल नहीं करे जैसा है। इस वास्ते ये इंडिविजुअल इंसान का बनाया हुआ मजहब है, और इंसान का बनाया हुआ पुतला है, और वो पूरी दुनिया को नहीं बोल सका। और एक इंसान है आदम की औलाद जो है जाकिर नायक, और पूरी दुनिया के अंदर वो वीडियो जा रहे। यहां तक के विलियम कैंपबेल से जो यूएसए में उन्होंने डिबेट की थी 2001-2000 में, वो वीडियोस भी पूरी दुनिया अब देख रही, 20 साल के बाद, 10-20 साल के बाद भी अब देख रहे। जाकिर नायक के जो है अहमद दीदात के वीडियोस लोग अब भी देख रहे, क्योंकि वो इस्लाम है हर वक्त रहने वाला, अजल से लेके आपको जो जवाल तक जो है अल्लाह का ये दीन है,
जो शुरू है और आखिर भी है। इस वास्ते पूरी दुनिया में ये वीडियोस चर्चे के तौर पे लोग सुन रहे हैं, जबकि अहमदीदाद मर गए और हिंदू का खुदा मर गया और वो जो है बोल नहीं सकता तुम्हारे सामने वीडियो के अंदर आके। क्रिश्चियन का खुदा मर गया, वो आके वीडियो नहीं दे सकता, वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ चर्च के अंदर पुतले को रखे, लेकिन सही इंसान को वहाँ ईसा अलैहि सलाम को नहीं रख सके चर्च के अंदर। पुतला रखे, हिंदू भी पुतला रखे राम का, इस वास्ते ये सामने ला के मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी है आज, एडवांस साइंस है आज, एडवांस हिस्ट्री है आज, ये नहीं बता सकते। ये क्राइसिस में आपको गौर करना है कि एक आदमी जो है फ़ोन पे बात कर रहा आपसे इंडिया से, अभी मेरी जो है अहलिया मेरी साली साहबा से बात की हैदराबाद इंडिया में, अमेरिका न्यूयॉर्क से। अभी अब आप गौर करो, इस तरह से कोई हिंदू का खुदा या क्रिश्चियन का खुदा या सरदार का खुदा या जो है जूश का खुदा एक इंसान से दूसरे इंसान को कम्युनिकेशन के तौर पर टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करा, सेलफोन नहीं इस्तेमाल करा, यहाँ तक के सेलफोन पे आप अपनी तस्वीर जो है दिखा सकते आपके अपोजिट वाले को जो आपसे बातचीत कर रहा फोन पर, फोन पे आप उसकी भी तस्वीर देख सकते जबकि वो इंडिया में बैठा हुआ है। अभी मैं 2 महीने पहले जो है हमारे 4 जो है साले सालियों से बात किया, वो कैमरे के अंदर वो जो आपका यूट्यूब का सेलफोन है आपको जो है उसने आईफोन के अंदर एक बना दिया जूम की तरह, आपको चारों के तरफ चारों साइड जो है वो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं आपसे, आप चारों को वक्ते वाहिद में देख सकते और आपका चेहरा वो लोग भी वक्ते वाहिद में, वो चारों डिफरेंट जगह है वो लोग भी देख सकते। ये इंसानी कुदरत है, इंसान इतनी कुछ दे गया है दुनिया के अंदर। हिंदू और क्रिश्चियन ये मगालते में है कि वो लोगों का खुदा आया था और वो सामने नहीं आया, और ये कोरोना के वक्त में लाखों मर जाने आके कम से कम हमदर्दी भी नहीं जताया। इंसान खुद अगर से तौबा करे मुसलमान, मेरा अल्लाह कौन है बोल के अगर तुम भी मुसलमान पूछ ले मेरा अल्लाह कौन है, क्योंकि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन से तौबा करो, तुम्हारा इंसान कमज़ोर ईमान कमज़ोर है, तुम दीन की दावत दूसरों में नहीं देते, जबकि मैं 9 साल से चिल्ला रहा हूँ, मैं चैलेंज से दे रहा हूँ तुमको, मेरे से बेहतर कोई और वीडियो बना के जन्नत की हवाएं या जन्नत की खुशबू या जन्नत का रास्ता नहीं बता सकता, चैलेंज दे रहा हूँ मैं, अल्लाह जानता है मेरा। मैं जिस तरह से दर्द से बना के बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से साबित हो रहा कि सिवा नजर नहीं आने वाला खुदा है, ना नजर आता, वो हमेशा से है और एक है। ये बात कुरान की हर सिंगल सेकंड कुल हुवल्लाह, पूरी दुनिया में नमाज पढ़ी जा रही, पूरी दुनिया में कुरान पढ़ी जा रही, पूरी दुनिया में तिलावत सुनी जा रही, और पूरी दुनिया में हर वो जगह वर्ल्ड में हर कंट्री में जो है अपने अपने बड़े बड़े पार्लियामेंट में व्हाइट हाउसों में इस तरह से जो है पूरी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जो है कुरान की तिलावतें सुना के जो है एक यादगार बना दे रहे पूरी दुनिया में। कोई और मजहब की किताब नहीं मिल सकती, इस वास्ते नहीं मिल सकती कि वो इंसान दे के गए, हिंदू की किताब में इंसान दिया डायरेक्ट खुदा की नहीं है, क्रिश्चियन की किताब बाइबल इंसान ने दिया डायरेक्ट खुदा की नहीं है। ये बात मैं गफलत में है सवालों को निकालने के लिए रोज बोल रहा हूं और रोज बता रहा हूं नए तरीके से। देखो आज फिल्म देखेंगे आप, वीडियो फिल्म देखेंगे, 1000 बार देख सकते आप, एक फिल्म बना के छोड़ दिया एक आदमी, मुगले आजम 1000 बार देख सकते आप। मैं कल ही एक जो है मैग्निफिसेंट 7 देखा, इंग्लिश फिल्म 60 में आई थी, वो मेरे बचपन की मूवी, मेरे को याद है अच्छा। मैं 2 दिन पहले देखा सेम मूवी, कितने लोग देखे होंगे, कितने बार देख रहे होंगे। एक इंसान जब मूवी बना के इंसानों को बता रहा कि जी मैं 1960 में जिंदा हूं और यहां खुदा आया था जमीन पे और वो मर गया, जैसा कोई जिंदा है जैसा प्रूफ नहीं दे रहा, और इसके कोई मिराकल्स नहीं है, इसके कोई जो है बाद में मिराकल्स नहीं है, चाहे हिंदू का खुदा बोलो या क्रिश्चियन का खुदा जो बोल रहे मिराकल्स तब है बोल रहे, उससे बेहतर तो आज साइंस जो है इंसान के पार्ट्स तक बदल दे रही, बिनाई नहीं है बिनाई ला रही, आसमान है आसमान का पूरा जो है चट्टा बट्टा दे दे रही। गौर करने वाला वक्त है, तुमको समझने का है। देखो अगर से आप सीसी कैमरा लगा रहे, इंसान बता दिया कि जो है दुनिया में क्या हो रहा तुम देख सकते, आप बीबीसी लंदन बोल के हिंदी का डालेंगे या उर्दू का डालेंगे,
पूरी दुनिया की खबरें बोल के पूरी दुनिया के कंट्रीज का बताएगी वो वक्त बाद में। देखो अभी हांगकांग का ऐसा हुआ, अभी कल की बात है, अभी बता रही थी, अभी जो है पूरी दुनिया के अंदर 5,17,000 लोग मर गए, पूरी दुनिया का हिसाब दे रही, पूरी दुनिया की न्यूज आप बीबीसी लंदन हिंदी का देख सकते हैं या उर्दू का देख सकते हैं या आप CNN देख सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जा रहे, वायरल हो रहे, पूरी दुनिया के अंदर चैनल से पूरी दुनिया की आपको तफरी भी हो रही, पूरी दुनिया की खबरें भी मिल रही, पूरी दुनिया को वक्त वाहिद में 5 मिनट में पूरी दुनिया बता दे रहा एक कैमरा, और आप जो है खुदा की खुदाई जो बोल रहे वो 5 मिनट में ऐसा बताने वाला कुछ नहीं देखेगा। आप मूवीज में भी देख रहे हैं, आज कोई भी मूवी डाल दो आप, अगर से किसी की जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, जासूसी करनी है या मखबिर के तौर पे जो है आपको कुछ काम उससे लेना है, आपको क्या करेंगे उसका एक छोटा सा बटन की शक्ल में यहाँ एक वो लगा देंगे उसका जो है देखने के लिए कैमरा, सुनने के लिए वॉइस उसकी, और आपको जो है पूरी खबर आपके बोर्ड पे घर पे आप 500 किलोमीटर फार भी जो है आप उसका ताखुब कर सकते हैं और पूरी न्यूज ले सकते हैं। वो कहाँ जा रहा, कार कहाँ जा रही, और जो है वो रास्ता कौन सा है, कौन सा महिला है, कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इंसान वक्त वाहिद में जहाज में भी दे रहा कि आप फलां जगह है, फलां जगह से निकल गए, फलां जगह आप मंजिल पहुंचने वाले, ये सारी बातें सिर्फ इंसान टेक्नोलॉजी से बताने से, इंसान खुदा नहीं है और इंसान खुदा समझ के क्रिश्चियनिटी फेल हो जा रही, हिंदुइज्म फेल हो रहा, मगर ये लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं। हम मुसलमान तौबा कर, अल्लाहु अकबर।